हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मैथ विद नूर। टुडे वीडियो इज गोना बी अबाउट सिंप्लीफिकेशन। लेट स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ट्रिक के साथ इजीली कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमें नंबर दिए हुए हैं 2, 3, 4, उनकी पावर्स जो है हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी हैं। अगर हम इनको ऐसे सिंप्लीफाई करने बैठे तब हमें क्या हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बट उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना है जो पावर में हमें नंबर दिए हुए हैं, जो हमें पावर में नंबर दिए हुए हैं, क्या वो सभी नंबर्स किसी एक टेबल यानी कि किसी एक नंबर पर कट हो रहे हैं या नहीं। अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले नीचे लिखते हैं ऐसे ही। 2 की पावर कितनी है, 250, 3 की पावर 150, 4 की पावर 200। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये सभी किस पर चली जाएंगी, हमारे किस टेबल पर जा रही हैं, किसी एक नंबर पर जाने चाहिए, 50 पर जाएंगी। सपोज़ हमने लिख दिया यहाँ पर, इसको 50 से डिवाइड कर दिया पावर्स को, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25 होगा, तब हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ पर लिख देंगे। डैट मीन्स पहले पावर कितनी थी, 2 की पावर 250, अब 2 की पावर कितनी हुई, 5। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, 3 के लिए करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15। यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20। अब 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 3 है और 4 की पावर 4 है। हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर बताना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 को ओपन करके लिखेंगे। अगर हम 2 की पावर 5 को ऐसे ओपन करके लिखते हैं, 2 की पावर 5 का मीनिंग क्या है हमारे पास, 2 की पावर 5 इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर अब हम देखते हैं हमें क्या मिलता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। हम क्या करेंगे, ऐसे ओपन करके लिखेंगे, डेट मीन्स कितना मिला, 32। ऐसे ही हम 3 के लिए करेंगे, 3 क्यूब कितना होगा हमारे पास, 27। और फिर हम किसके लिए करेंगे, 4 रेस्ट टू द पावर 4, कितना मिलेगा, 256। अब हम इन तीनों नंबर में से तो बता सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा हमारे पास। यहाँ तो हमें बताने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, अब हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा हमारे पास। हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कितना आया, 256। हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या आया, 256। तो इन तीनों में से उन्होंने तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा वो तो इन तीनों में से पूछा है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ हमारा, ये, डैट मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर कितना हुआ हमारा, जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना हुआ, 4 रेज़्ड टू द पावर 200। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है 2 रेज़्ड टू द पावर 40, 3 रेज़्ड टू द पावर 20, 5 रेज़्ड टू द पावर 15, ठीक है। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें क्या करना है, जो पावर में नंबर दिए हुए हैं हमें, डैट मीन्स नंबर की जो हमें पावर्स दी हुई है वो सभी, ये भी सभी एक टेबल पर कट होनी चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 5 के टेबल पर जा सकते हैं तीनों। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं, 2 रेज़्ड टू द पावर 40, 3 रेज़्ड टू द पावर 20, 5 रेज़्ड टू द पावर 15। अब हम क्या करेंगे, सभी पावर्स जो हैं हमारी 5 से डिवाइड हो रही हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 5। डैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, इसको इजिली सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 8 ज़ा कितना होता है हमारे पास, 40। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। डैट मीन्स कितनी आई, 3 की पावर 4। ऐसे हम क्या करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 पे आया तो कितनी पावर हुई, 3 अपॉन 1। अब हम ये ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना पावर को कि पावर कितनी हुई 3 अपॉन 1, क्योंकि हमें पता 3 अपॉन 1 तो 3 ही होता है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 रेज़्ड टू द पावर 8 को ओपन करके लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, 2 की पावर 5 का क्या मीनिंग था हमारे पास, उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 को। ऐसे 2 की पावर 8 का क्या मीनिंग है, 2 जो नंबर है उसको 8 बार लिख के उसकी मल्टीप्लाई करनी है। डैट मीन्स 2 रेज़्ड टू द पावर 8 को जब हम ओपन करके लिखेंगे हमें क्या मिलेगा, 256। ऐसे ही 3 रेज़्ड टू द पावर 4 को जब हम ओपन करके लिखेंगे हमें मिलेगा 81। 5 रेज़्ड टू द पावर 3 को जब ओपन करके लिखेंगे हमें क्या मिलेगा, 125। डैट मीन्स इन सब में से बड़ा नंबर क्या हुआ हमारे पास, इन सब में से बड़ा नंबर हमारे पास हुआ 256। सबसे बड़ा नंबर ही पूछा था ना हमें, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ हमारे पास, 256। बट हमें 256 नहीं बताना,
इनको हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ हमारा, 256। तो 256 के को सॉल्व कर कैसे किया था, 2 रेज़ टू द पावर 40 से सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ अब हमारा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ अब हमारा, 256 नहीं होगा, डैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 40, क्योंकि हमें तो इन तीनों नंबर्स में से बताना था सबसे बड़ा नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इजिली सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।